मैं सब कहाँ हूँ आप? मैं इमरजेंसी ड्यूटी पर हूँ, तुम बताओ हर शादी की तैयारी कैसी चल रही है? और ऐसे काम करे, तैयारी को छोड़ो, मधु का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या मधु कहीं चली गई है? तुम्हारा दिमाग खराब है? ध्यान से देखो, इधर उधर कमरे में होगी कहीं। पता नहीं, मैं तो बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। वहाँ बारात आने के लिए तैयार है, तुम कह रहे हो कि मधु कहीं चली गई? इधर उधर कमरों में देखो, पता करो कहाँ पर है। ठीक है, मैं देखती हूँ, पर आप जल्दी आ जाओ। ठीक है। ये बताते हुए कि हमारे कृषि मंत्रालय ने इस नौजवान को अनुसंधान केंद्र में सलाहकार के पद पर भी नियुक्त किया है, और इसके लिए मैं राजकुमार जी का सम्मान करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। डीएम साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए। मेरे से पहले मेरे पिताजी का स्वागत होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। मैं इनके पिताजी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो कृपया स्टेज पर आए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पिता को सम्मानित करने का मौका प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं कि आपको ऐसे सपूत प्राप्त हुए हैं। और हाँ, इसके साथ ही खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे कृषि मंत्रालय ने राजकुमार जी के लिए 10 लाख रुपए का एक चेक दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कृषि मंत्रालय से आए उच्च अधिकारी जी का और डीएम साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस अनुसंधान को समझा कि वो हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी काम आ सके। मैं इसके साथ साथ अपने गांव के सभी किसानों से और देश के सभी किसानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग केमिकल खाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खाद फसलों में जाकर वापस हमारे पेट में आते हैं, क्योंकि फसलें जो हम उगा रहे हैं ये हम सब अपने देश के लिए, अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, देशवासियों के लिए उगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। मैं चाहता हूं जैसे हम लोग, हमारे देश में पुराने टाइम में खेती की जाती थी, हम गोबर का खाद इस्तेमाल करते थे, गौमूत्र और इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे, उन्हीं से हम खेती करें ताकि हम एक निरोगा अन्न, स्वस्थ अन्न अपने देश में दे सकें, जिसे खाकर हम सब लोग स्वस्थ रह के इस देश की उन्नति को आगे बढ़ा सकें। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि मैं अपने गांव में अपने बड़े बुजुर्गों के सामने जो भी कुछ साबित कर पाया हूँ वो सब मेरे दोस्तों की वजह से हो पाया है, जिनकी वजह से आप मुझे लायक समझे। आज मुझे खुशी है कि मैं अपने बड़े भाई और अपने पिताजी की नज़रों में भी अच्छा हुआ हूँ। आज मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मधु मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हेलो जी पिताजी, आपसे एक बात बतानी थी। दामाद जी, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बारात आने वाली है, पता नहीं मधु कहाँ चली गई। उसको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई है, आप चिंता ना करें। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिल गए हैं ना, चुप हो जाओ। पता नहीं दामाद जी ने क्या कह रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में आई ना। माफ़ी चाहूँगा, मेरी वजह से प्रोग्राम में बाधा आई, आज मेरे लिए
और भी ज्यादा खुशी का ये दिन हो गया है कि आज ऐसा सम्मान मिला और बहुत दिनों से बिछड़ी हुई मेरी पत्नी आज वो भी वापस मिल गई है। मैं फिर से कृषि अधिकारी जी और डीएम साहब का और अपने पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। साहब घर पर चाय पानी पीकर जाना है। नहीं, चाय पानी का टाइम नहीं है, निकलना है। अच्छा साहब, इतना बड़ा पद तो आपने दे दिया, अब 10,000 रुपए महीना तो मिल जाया करेंगे ना? ऐसी बात कर रहे हो, 1,00,000 रुपए महीना, घोड़ा गाड़ी सब। अजी क्या कहने। जैन सर, डीएम साहब एक बात और, ये मेरे साडू हैं। अच्छा, बड़े भाई की तरह हैं। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरा छोटा साडू है जी सर। अरे यार, चलने से पहले बलदेव जी को तो फोन कर लू। अरे यार, इसका कहां से फोन आ गया? हेलो हेलो बलदेव जी। हाँ जी, बताइए। हम लोग बारात लेके निकल रहे हैं। आप बारात लेके बिल्कुल मत आना, लड़की घर से भाग गई है और उसके घर वाले आप पर केस करने वाले हैं। मेरी मानो तो बारात लेकर मत आना, वापिस चले जाओ, कहीं फंस ना जाओ, ये पुलिस केस होने वाला है। अरे अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, हमें नहीं करनी शादी, इससे तो अच्छा ही है कि हमारा लड़का कुंवारा ही बैठ जाए। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते जी, आइए भाई साहब, आइए। आप बैठिए भाई साहब। नहीं भाई साहब, आप बैठिए। अरे भाई साहब, आप कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं, आप बैठो। आओ बैठिए, चाय लीजिए। अच्छा जी, आप भी लीजिए। बिस्किट लीजिए। हाँ हाँ, आप भी लीजिए। क्या बात, सस्ते हैं क्या? नहीं भाई साहब।